हमें राधा मैं हूँ दीप्ति। अब समय आ गया है, जैसा मैंने कहा है वैसा कर। सबसे पहले तुम ये पट्टी बांध ले। पट्टी? पट्टी बांध लूंगी तो आगे कैसे चलूंगी? तू घबराती क्यों है? मैं हूं ना, तुझे भरोसा है ना मुझ पे? आगे मैं नहीं जा सकती, इसके आगे तुम्हें संभालना होगा। दीप्ति मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? नहीं तू चल मेरे साथ। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आगे तू झील की तरफ जा और जैसा मैंने तुझे बताया वैसा ही कर। और जो मंत्र मैंने तुझे बताया है ना वो निरंतर जपते रहना, और आंखों की पट्टी तब तक मत खोलना जब तक तुझे तेरी मंजिल ना मिल जाए। और हाँ याद रखना, रास्ते में कुछ भी हो रुकना मत। यहां से आगे मत जाओ। कौन हो तुम? मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आई हो। जिसने भी तुझे यहां भेजा है झूठ बोला है। लौट जा, वापस लौट जा, वरना बहुत पछताएगी तू। नहीं, मुझे जाना ही। वापस लौट जा। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, पछताओगी, बहुत पछताओगी। रुक जा, रुक जा, मेरी बात सुन, रुक जा। तो ये नहीं बताया था तुमने मुझे? जगाया है
तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। कौन हो तुम और क्या करने वाले हो मेरे साथ? मैं ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वापस जाना है। एक बार तुमने मुझे प्रार्थना से बुलाया, अब तुम ये वापस नहीं ले सकती। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे नहीं पता था, अब मैं क्या करूंगी? बहुत देर हो चुकी है, जिंदगी भर पछताओगी तुम, जिंदगी भर पछताएगी तुम। बहुत पछताएगी। आपको सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है। चलिए अब जाने दीजिए, माँ जी जग गई होंगी और रसोई में बहुत काम है।
लो उठ गई महारानी, बैठ जाओ ना, तुम्हारे लिए भी नाश्ता परोस देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, पता नहीं आँख नहीं खुली, आप मुझे दीजिए, मैं परोस देती हूँ। कोई टाइम का पता नहीं रहता है, आँख कैसे नहीं खुलती अभी तक? हाँ तभी ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? तू चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं वो सर थोड़ा भारी लग रहा था बस इसीलिए। दादा ये निशान कैसा? कुछ नहीं वो कुछ एलर्जी हो गई होगी, आप खाइए। अंगूठी आई थिंक बाथरूम में रह गई होगी, मैं एक मिनट लेके। नहीं नहीं आप बैठिए ना, आप खाइए, मैं देखती हूँ। क्या हो रहा था राधा? तुम ठीक हो? हाँ 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 मैं ठीक हूँ। तो चिल्ला क्यों रही थी? वो मुझे चूहा दिखा था तो इसलिए। मैं बस दो मिनट में आती हूँ, आप चलिए। मुझे दीप्ति से बात करनी होगी। दीप्ति का तुम्हें कुछ पता है क्या? कल रात से वो घर पे नहीं आई है, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। सारे रिश्तेदारों के भी पता कर लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है वो। मैं तो खुद तुमसे पूछने आने वाली थी, मन्नू भी दूर काम से किसी गांव में गया है।
जैसे ही उसे खबर मिली अगली ट्रेन पकड़ के वो सीधा यहीं आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम दीप्ति को आखिरी बार कब मिली थी? काकी मेरी तो काफी दिनों से बात नहीं हुई है उससे। पीछे कुछ दिनों से है। उसका व्यवहार बड़ा अजीब हो गया था। बीच बीच में घर से बाहर चली जाती थी, घंटों के बाद घर पे आती थी। तो काकी आपने पूछा नहीं कभी उससे? तू जानती है ना उसे, उसकी दोस्त है ना तू, किसी को बताती है कुछ? और उसके साथ एक औरत भी होती है, बड़ी अजीब सी औरत। औरत कौन? कौन औरत? पता नहीं, पिछले दिनों घर में आई थी और सीधी कमरे में चली गई। तो आप उस औरत के बारे में कुछ नहीं पता है? मुझे तो सिर्फ उसका नाम ही पता है, मोहिनी। मोहिनी तुम जानती हो? तो आप उस औरत के बारे में कुछ जानती है? मतलब दिखने में कैसी थी? और कद काठ की तो दिखते जैसा ही है, लेकिन हाँ गाल पे एक तिल था। गाल पे तिल? ऐसी लड़की को शायद मैंने कहीं देखा है। यही मोहिनी होगी। ये तो रणबीर के रिश्तेदारों में लगती है। तो फिर ये दीप्ति से क्यों मिलने आई होगी? इनसे पूछती हूँ। आपसे कुछ पूछना था। हाँ बोलो। वो आप मोहिनी को जानते हैं ना? याद है आपको मोहिनी? आज उसकी याद कैसे आ गई? नहीं वो पड़ोस की अम्मा ने जिक्र किया तो बस ऐसे। वो रिश्ते में क्या लगती है हमारी? अरे वो मेरे ताऊ जी है ना, उनके बेटे की बीवी है। और वो रहते कहाँ हैं? यही अपने पास वाला गाँव है ना चंदनपुर, वहीं रहते हैं। वैसे तुमने अच्छा याद दिला दिया, मोहिनी को ना बच्चा हुआ है, हमें वहां देखने जाना भी है उसको।
मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही थी। तुम्हें अच्छे से पता था कि उस तालाब में अष्टभुजी दानव रहता है। अष्टभुजी दानव? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। तो फिर तुम अपने परिवार से यहाँ छुप कर क्यों बैठी हो? उस दानव ने मेरे पति का गला घोटकर उसे मारने की कोशिश की और उसने कहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। मेरे परिवार की जान अब तुम्हारे हाथों में। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लो इन सब से। मैं कैसे बताऊं राधा, मेरे सामने भी मजबूरी थी। मजबूरी? मजबूरी मेरी थी। शादी के 5 साल तक भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। मुझे डर था कि मेरे परिवार वाले मुझे घर से निकाल देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई मदद के लिए। और तुमने क्या किया? मुझे उस दानव के पास भेज दिया। मुझे माफ कर दो, मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। मैं मां बनना चाहती थी और हर हाल में मुझे बच्चा चाहिए था। और गर्भवती बनने के बाद वो तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ता जब तक मैं उसको दूसरा शिकार नहीं दे देती। वो मैं ही थी जिसने दीप्ति को इस जाल में फंसाया और मैं खुद भी इस दानव से गर्भवती हुई थी क्योंकि मुझे किसी और ने फंसाया था। राधा, उसकी बात मानो और उससे गर्भवती हो जाओ और उसके बाद गांव से किसी औरत को उसके पास भेज देना। नहीं, मैं कभी उस दानव का बच्चा अपनी कोख में नहीं रखूंगी। लेकिन राधा, तुम कुछ भी हो जाए, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। ऐसी बहू मिली ना किस्मत में, ना काम काज का सुख है ना औलाद का सुख है। ऐसी बहू होने से तो ना होए अच्छा है। माँ जी, आप क्यों कर रही हो? लाइए, मैं कर रही थी। नहीं महारानी, तू ये सब क्यों करेगी? ये सब करने के लिए तो मैं हूँ ना। कोई काम तो करने आता नहीं है, आ गई काम करने। माँ जी, अब खड़े खड़े यहाँ मुंह क्या देख रही है? कम से कम जाकर मेरे बेटे को दवा दिया, जा निकल यहाँ से। बड़ी आई काम करने वाली इस लड़की का। देखो दवाई। राधा, क्या बात है? कुछ कहना चाहती हो? हाँ, मुझे आपको कुछ बताना है। गांव खत्म ही नहीं होता और ये लड़की को कोई फुर्सत ही नहीं है। छोड़ दो, इन्हें
मुझे कुछ मत करो। माँ, माँ, उठो माँ, माँ, माँ उठो ना, माँ क्या हो गया, माँ उठो ना एक बार। मैंने कहा था ना, बहुत बुरा होगा। अभी भी वक्त है, मेरी हो जाओ, वरना अगली बारी तुम्हारे पति की है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ है? क्या मतलब? बच्चा ना पाने की वजह से मैं बहुत मायूस थी और मुझे लगा कि इस वजह से आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। इसीलिए मैं रात को चुप कर सानव के पास गई थी। तुम्हारी इस नादानी की वजह से हमने अपनी मां को खो दिया। कुछ माफ कर दीजिए, बच्चे की आस कर दीजिए। लेकिन अब अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपको भी मार डालेगा। मैं आज रात ही उसके पास वापस जाऊंगी और वो जैसा कहेगा ना बिल्कुल वैसा ही करूंगी। कि क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई हो क्या? जानती नहीं उस दानव को, पता है ना क्या कर सकता है वो। नहीं राधा, तुम रो मत, तुम उसके पास नहीं जाओगे, मैं तुम्हें वहां जाने ही नहीं दूंगा। लेकिन उसकी शक्तियों के आगे हम करेंगे भी क्या? कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा, कोई ना कोई तो उस दानव के बारे में जरूर जानता होगा, हमें बस वो पता करना है। क्यों आई हो तुम? अम्मा जी, उस दानव ने मेरी सास को मार डाला और अब वो मेरे सुहाग के पीछे पड़ा है। बोला था ना, उस झील की तरफ मत जाओ, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पर अम्मा जी, अगर हम इस गांव को छोड़ के कहीं दूर चले जाएं, जहां वो दानव हमें ढूंढ ना पाए, तब भी नहीं? धरती में तो क्या, अगर तुम पाताल में भी चले जाओगे ना, तो भी उससे पीछा नहीं छुटा सकोगे। जब तक वो तुम्हारी पत्नी को हासिल ना कर ले, तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? बहुत साल पहले
मैं भी तुम्हारी ही तरह इस झील में मुराद लेकर आई थी। मुझसे ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस दानों ने मेरे परिवार को, मेरे पति को, सबको मार डाला। अगर अपने पति और परिवार को बचाना है तो वही करो जो वो चाहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम उस अष्टभुजी दानव को नहीं जानते। अब क्या जानती हैं उसके बारे में? बहुत साल पहले इसी गांव में मनोज नाम का एक आदमी रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे। उसकी पत्नी ने पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि ये सब उसके पति की नपुंसकता की वजह से हो रहा है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। परेशान होकर वो मदद मांगने के लिए एक तांत्रिक के पास गया। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम चामुंडा स्वाहा। उस रात वो तांत्रिक काला जादू की प्रथा कर रहा था। उसने अपने घर में तरह तरह के जानवर कैद कर रखे थे। उसमें से एक अष्टभुजी भी था। लेकिन गांव वालों को पता चलने से पहले ही उसने मनोज को और उस अष्टमुड़ी को तालाब में फेंक दिया। अम्मा जी, इस दानव को रोकने का कोई तो तरीका होगा। इस राज को सिर्फ तांत्रिक जानता था, लेकिन दानों ने उसकी भी हत्या कर दी। पर अम्मा जी, वो तांत्रिक रहता कहाँ था? अष्टभुजा दानव का राज जरूर यहीं कहीं है। तुम एक काम करो, तुम उसमें देखो, कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैं यहां देखता हूं। इसमें तो कुछ मंत्र लिखे हैं, पर इन सबका मतलब क्या है?
में आना होगा और फिर तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी। इसी घड़ी का इंतजार था, आखिरकार तुम मेरी हो जाओगी। वैसे भी वंदा पुंसक पति तुम्हारे लायक नहीं है। आज हमारे मिलन की रात है, इतनी भी क्या जल्दी? धूमधाम से मनाना चाहिए। के चक्रव्यूह में उस दानव को जकड़ना होगा। एक बार चक्रव्यूह में आग लग जाए फिर वो दानव बच नहीं सकता। कुछ नहीं कर सकता, तेरा अंताज होके ही रहेगा। दादा हाथ दो। दादा मुझे माफ कर, मेरे परिवार ने बच्चे के लिए तुम पर बहुत दबाव डाला और मैं तुम्हारी बात कभी समझ ही नहीं पाया। हम दोनों का रिश्ता अटूट है और ये कभी नहीं टूटेगा। मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हमारा रिश्ता बच्चा होने या ना होने का मोहताज नहीं है।